हाथरस में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मित्र पुलिस की बात करने वाली उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस के ग्राम चौकीदार के बेटे और उसके दोस्त ने अलीगढ़ से हाथरस ननिहाल घूमने आई नाबालिग किशोरी के साथ की गई गैंगरेप की घटना ने मित्र पुलिस के उन दावों की पोल खोल कर रख दी, जिसमें उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस महिला व बालिका सुरक्षा की बात करती है। आपको बता दें, मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली हसायन क्षेत्र के एक गाँव का है। यहाँ 5 दिन पहले जनपद अलीगढ़ से हाथरस के हसायन अपनी ननिहाल घूमने आई नाबालिग किशोरी को घर से खेत पर शौच को जाते समय ग्राम चौकीदार के बेटे और उसके एक दोस्त ने नाबालिग किशोरी को बाजरे के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। कल हम लैटरिन कर रहे थे तो दो लोड़ा पीछे तो आँख में ही बंद करके बाजरा में ले गए थे। उन्होंने कल कहते हैं गंत काम करो और नाबालिग किशोरी की परिजनों को देखकर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। नाबालिग किशोरी के साथ की गई गैंगरेप की घटना के बाद पीड़ित नाबालिग किशोरी ने परिजनों के साथ थाने पर जाकर ग्राम चौकीदार के बेटे और उसके दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म करने की तहरीर दी। अगर कोई रिश्तेदार नहीं आई है, मैंने कहा हाँ आई है, वो दो लड़के बाजरे में खींचे ले गए, हमारा नाम मान लेना। अच्छा, उन्होंने हमें बताया, हम दोनों भाई गए। अच्छा जी, डंडा ले लेके तो खेत में हमने वो भाग गए बाजरे के खेत में। भागते हुए भाई साहब ने एक एक में लाठी मार दिया सिर में। अच्छा। उसका सिर फट गया, सरट उसकी गिर गई, घबरा के वो गिर गया, फिर उठ के भाग गया। दूसरा बंदा था वो मेरे हाथ नहीं आया, पैर में मेरे में वो लग गए, वो है बाजरे फटे रहे। फिर वहाँ से हम लड़की को लेके घर आ गए, फिर हमने 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर हमारे पास आ गई। कौन कौन थे ये दोनों? क्या नाम? एक ग्रीस है, एक ग्रीस नैना, रामपाल का नैना है, और ग्रीस है का इनका ओम प्रकाश पंच, गांव के ही चौकीदार हैं। ये लड़के दोनों रात भाग गए, भगा दिए घर वालों। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। जांच पड़ताल की पुलिस की गई है, क्या है? हसायन का एक मामला है जिसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है कि एक लड़की जो अलीगढ़ की रहने वाली है और वो अपने ननिहाल में आई थी और उसके साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। उसके साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी उसने नाम दिखाया जिसने इसमें उसको सहायता प्रदान की थी। इस संबंध में पंजीकृत कर लिया गया है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई और शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है।